उद्धव ठाकरे लेंगे इतना शिंदे से बदला। शिंदे फडणवीस सरकार को दी चेतावनी, कहा पीठ में खंजर घोंपकर सरकार गिराने वालों से बदला लेकर रहूंगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बदला नहीं आम जनता की जिंदगी में बदलाव लाएंगे, मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। जो जूते साफ करने के लायक नहीं वो सरकार में बैठे हैं, अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का वारिसदार बोलते हैं, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर किया जोरदार हमला। 2019 में जूते साफ करने गए थे या जूते माथे पर उठाने, मां विकास अघाड़ी को लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किया पलटवार। मुंबई में बदलेगा मौसम, तेज हवा और आंधी के साथ 48 घंटों में बारिश का अलर्ट। अब रोटी पलटने का समय आ गया है, नहीं तो जल जाएगी, शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की हलचल तेज। एकनाथ शिंदे के संपर्क में ठाकरे गुट के बचे कुचे 13 विधायक, कैबिनेट मंत्री उदय सामंत का दावा। हिंदू युवक के साथ घूमने का शक, हिजाब पहनी महिला के साथ संभाजी नगर में बदसलूकी, 3 हिरासत में। भाजपा के नेता का मेरे पास 60 से 70 घोटाला, कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट जाएंगे, संजय राउत का इशारा। सबूत है तो कोर्ट में जाओ, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप करोगे तो ठाकरे के कपड़े फाड़ देंगे, नीतीश राणे ने राउत को दी चेतावनी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा, 11 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल। बेस्ट में फोन पर तेज आवाज में बातचीत करने पर लगाई गई रोक, हेडफोन का इस्तेमाल करना अनिवार्य। मुंबई में 62 अनधिकृत निजी स्कूलों को किया गया बंद, बीएमसी ने शहर के बाकी 210 स्कूलों को जून तक का दिया समय। जनता के मन के भावी मुख्यमंत्री अजीत दादा, उल्हासनगर में राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने लगाया बैनर। अजीत पवार का सीएम बनना तय, अमित शाह का नाम लेकर एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कह दी बड़ी बात। वर्ली के पोदार कॉलेज में आम खाने की लालच में पेड़ पर चढ़ा मेडिकल स्टूडेंट, नीचे गिरने से हो गई मौत। बोरीवली और विरार के बीच बढ़ेगी लोकल ट्रेन की स्पीड, यात्रियों को होगा काफी फायदा। टीडी में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान, ग्रामीणों ने सभी दलों के साथ मिलकर CISF की सुरक्षा खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया आह्वान। महाराष्ट्र में धन कुबेर बिल्डरों पर रेड, 3,333 करोड़ के बेहिसाब लेनदेन का खुलासा। संजय राउत को जवाब देने की जिम्मेदारी अब नीतीश राणे पर, राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब रोज होगा नीतीश राणे का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई में अपने ही फ्लैट पर महिला सब इंस्पेक्टर की मिली लाश, 1.5 साल से थी छुट्टी पर। वाशिम जिले में 30 फीट छत से नीचे गिरी बच्ची, नीचे खड़ी बाइक के सीट पर जा गिरी, बच गई जान। शेयर बाजार में तेजी का सिक्सर, सेंसेक्स 60,664 पर बंद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 15,000 से अधिक किसानों ने पैदल मार्च निकाला, किसानों ने पैदल मार्च के दौरान राज्य सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। मुंबई में घर लेने वालों के लिए अहम खबर, मुंबई पुणे में बिल्डरों के कई प्रोजेक्ट दिवालियापन की कगार पर।